टॉपर्स कहीं अलग जन्म नहीं लेते, ना वो किसी विशेष क्षेत्र के होते हैं, बल्कि हमारे ही बीच के जो लोग होते हैं वही टॉप करते हैं। वर्तमान परिदृश्य में 80 से 85% अंक लाना आपकी अनिवार्य जरूरत है। बदले हुए परीक्षा माहौल में यदि आपको अंतिम चयन लेना है तो सुपर टेट में आपको निश्चित रूप से 80% के आसपास अंक अर्जित करने होंगे, तभी आप फाइनली सिलेक्ट हो सकते हैं। बहुत सारे लोग यही सोच रहे होंगे कि हमें 80% से ज्यादा अंक प्राप्त करने हैं, बहुत सारे लोग ये सोच रहे होंगे कि हमें टॉप करना है, लेकिन बहुत सारे लोग ये सोच रहे हैं कि अभी तो परीक्षा का फॉर्म ही नहीं आया है, कोई दिक्कत नहीं, हमारे पास समय है, हम आराम से तैयारी कर लेंगे। मैंने कहा जो टॉपर्स होते हैं वो अलग से जन्म नहीं लेते, ना किसी क्षेत्र विशेष में पैदा होते हैं, बल्कि हमारे बीच के लोग ही टॉप करते हैं। एक अच्छे सीनियर होने के नाते मेरी ये जिम्मेदारी है कि मैं आपकी परीक्षा के लिए सही समय पर आपको जागृत करूं और प्रेरित करूं, जिससे आप भी उन लोगों की लिस्ट में शामिल हो सकें जिन लोगों ने अच्छे अंक अर्जित किए हैं या जो आपके सामने उदाहरण बने हैं, ताकि आने वाले समय में आप भी किसी के सामने उदाहरण बन जाए। कैसे आप 80% से अंक ज्यादा प्राप्त करेंगे, क्या आपको आज से करना है, बहुत ब्रीफ में मैं उन चीजों को आपको बताने वाला हूं। आपकी परीक्षा एक विशाल पाठ्यक्रम लिए हुए है, लगभग परीक्षा को देखें तो 11 भागों में आपकी परीक्षा सिमटी हुई है, और पूरी किताबों और भागों को देखें तो लगभग 15 विषय आपको पढ़ने हैं। जैसे यहां पर हम लोगों ने लिखा हुआ है, आप यहां से देखिए, हिंदी, संस्कृत, अंग्रेजी, सामान्य ज्ञान या सामान्य अध्ययन के लगभग 4 भाग, पर्यावरण, रीजनिंग, गणित, करंट अफेयर्स, यूपी विशेष, सूचना तकनीकी, कंप्यूटर, मनोविज्ञान, शिक्षण कौशल, है ना, लगभग 11 भाग ये हैं, 4 भाग अगर हम लोग सामान्य ज्ञान और सामान्य अध्ययन के जोड़ लें तो लगभग 15 भागों में आपकी परीक्षा सिमटी हुई है। 15 भाग, इतना विशाल सिलेबस उत्तर प्रदेश में अभी भी किसी परीक्षा का नहीं है। तो आप इंतजार किस चीज का कर रहे हैं कि जब फॉर्म आएगा तब आप तैयारी करेंगे? नहीं, इतना बड़ा सिलेबस है, कुछ एक वर्ग परीक्षार्थियों का ऐसा होता है जो फॉर्म आने के बाद तैयारी करते हैं, वो हमेशा एक एक नंबर के लिए तरसते रहते हैं और वो कभी भी सफलता की ओर अग्रसर नहीं होते। लेकिन जो डेडिकेटेड सदस्य होते हैं वो पूरी तैयारी अपनी करके रखते हैं और करने के बाद परीक्षा फॉर्म भरते हैं। तो ये तो आप तय करेंगे कि आपको परीक्षा की तैयारी अभी से करनी है और फॉर्म आने के बाद केवल रिवीजन करना है, कि या जब आप फॉर्म आएगा तो आप तैयारी शुरू करेंगे। फॉर्म आने के बाद केवल रिवीजन किया जाता है, कभी भी तैयारी नहीं की जाती। जो टॉपर्स होते हैं वो भी उन्हीं संसाधनों का प्रयोग करते हैं, उन्हीं साधनों का प्रयोग करते हैं जो उपलब्ध होते हैं, बशर्ते वो करते क्या है कि उनका उपयोग सही समय पर करते हैं। अगर आप घर बैठे भी तैयारी कर रहे हैं या आप किसी बैच से जुड़े हैं ऑफलाइन ऑनलाइन या आप किसी कोचिंग से जुड़े हैं, तो ये सही समय है आपकी सुपर टेट की तैयारी का, क्योंकि लगभग 19 भागों को तैयार करना इतना आसान नहीं है। आप अपने अंदर के आलस्य को त्यागिए, आप आज से एक एक मिनट का सदुपयोग करिए, क्योंकि ये इतना बड़ा पाठ्यक्रम है कि अगर आप इसको 60 दिन में तैयार करना चाहेंगे तो ये 60 दिन में आपसे तैयार हो नहीं पाएगा। अगर आप ये विचार कर रहे हैं कि आप इस पाठ्यक्रम को 60 दिन में तैयार कर लेंगे तो आप गलत सोच रहे हैं, क्योंकि लगभग इस पाठ्यक्रम को तैयार करने के लिए 110 से 120 दिन चाहिए। 60 दिन में तैयार करेंगे तो 60% अंक प्राप्त करेंगे, और 60% जब अंक प्राप्त करेंगे तो मेरिट में शामिल नहीं होंगे, और एक एक नंबर के लिए उस समय कष्ट होगा जब आप अंतिम चयन के आसपास होंगे कि काश हमारे 5-10 नंबर और ज्यादा होते तो हम फाइनल मेरिट में होते। तो आप किस चीज का इंतजार कर रहे हैं? किसी भी परीक्षा के लिए 7-8 टूल्स जो होते हैं वो बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। दुनिया भर की किताबें और नोट्स मार्केट में पड़े हुए हैं, आप उनको लेके पढ़ाई लिखाई शुरू कर सकते हैं। अगर आपको घर बैठे अपनी पढ़ाई लिखाई शुरू करनी है तो परीक्षा के बारे में आपको एक दूरदर्शिता बनाने की जरूरत है। किसी भी चीज के लिए हमें एक लंबे समय के लिए मेहनत करनी होती है। एक किसान होता है, वह अपनी फसल साल भर की मेहनत के बाद काट पाता है, ऐसा नहीं है कि तुरंत फसल काट लेता, एक साल वो अलग अलग साधनों संसाधनों के माध्यम से मेहनत करता है और एक साल बाद उसको वो खुशहाली मिलती है कि वो फसल काट पाता है, बट एक साल की निरंतर मेहनत होती है। आपकी परीक्षा भी उससे कहीं भी कम नहीं है। अगर आपने वास्तव में नौकरी का सपना देखा है और आप आजकल करके अपना समय व्यर्थ कर रहे हैं, आप अपने साथ और अपने माता पिता के साथ केवल धोखा कर रहे हैं, आप अपने गार्जियंस के साथ धोखा कर रहे हैं और इससे ज्यादा आप कुछ नहीं कर रहे हैं। आपको लगभग 5 से 6 घंटे प्रत्येक दिन पढ़ने की जरूरत है। अगर आप ऐसा नहीं कर रहे हैं तो मेरा आप सभी लोगों से अनुरोध है, एस टेट
जो इस बार की वैकेंसी आ रही है, हो सकता है इस बार की वैकेंसी के बाद आपको एसटेट का मौका ना मिले, सुपर टेट का मौका ना मिले, इसलिए जो इस बार की वैकेंसी आ रही है इसको आप लोग अंतिम वैकेंसी करके समझ के तैयारी प्रारंभ करिए। जब आपके पास कोई सेकेंडरी ऑप्शन होता है तो आप प्राइमरी और प्राथमिक चीज को कभी भी प्राप्त नहीं कर सकते। आप अपने जीवन के विकल्पों को समाप्त कर दीजिए कि हम अगर ये नहीं कर पाए तो हम ये कर लेंगे, क्योंकि जब तक आपके पास विकल्प रहेंगे तब तक समस्या रहेगी। मेरे प्रिय सदस्यों, आप सभी के पास एक लिमिटेड समय है, लिमिटेड समय में इतना बड़ा सिलेबस है। याद करिए पिछले साल का वो समय जब केवल 28 दिन का आपको समय दिया गया था और 28 दिन के अंतराल पर आपसे सुपर टेट की परीक्षा ले ली गई थी। क्या इस बार भी वही कर दिया अगर कमीशन ने कि 28-30 दिन के समय पर सुपर टेट की परीक्षा ले ली, तो क्या आप उस स्थिति में होंगे कि 30 दिन में आप पूरी परीक्षा की तैयारी कर सकें? शायद नहीं। एक परीक्षा में सफल होने के लिए बहुत सारी चीजों का होना जरूरी है। आपके कॉन्सेप्ट क्रिस्टल क्लियर होने चाहिए, जिन नोट्स से आपको रिवीजन करना है वो नोट्स आपके तैयार होने चाहिए, प्रत्येक विषय पर आपकी एक गहरी और गहन पकड़ होनी चाहिए। आप सोचते सोचते टाइम पास करते करते एक एक दिन निकालते जा रहे हैं, आप प्रत्येक दिन अपने लक्ष्य को कमजोर करते जा रहे हैं, क्योंकि यही जो दिन आप जो निकाल रहे हैं यही आपके आत्मविश्वास में एक दिन कमी पैदा करेंगे। लेकिन याद रखिए, मैंने कहा जिनको टॉप करना है वो अपना अध्ययन शुरू कर चुके हैं, वो अपने क्रक्स बनाने शुरू कर चुके हैं, वो नोट्स बनाने शुरू कर चुके हैं। जो मैं अपने संस्थान की बात करूं, जो सुपर टेट के बैच में सदस्य यहां पर जुड़े हुए हैं उनको सभी हैंड रिटन नोट्स भेज दिए गए हैं जो टीचर्स के हाथ से बनाए गए हैं, और प्रत्येक सप्ताह वो 40 क्लास कर रहे हैं, 40 घंटे की क्लास उनको प्रत्येक सप्ताह भेजी जा रही है। वो इस बैच को देख भी रहे हैं, मेरे वीडियो को देख भी रहे हैं, मेरा ये वीडियो उनको भी प्रेरित करने के लिए है। और वो 40 घंटे की क्लास उनको जो एक सप्ताह में मिल रही है, आज से हम लोगों ने नियम किया है कि सैटरडे संडे को हम क्लासेज नहीं करेंगे, क्योंकि इतनी ज्यादा क्लासेज हो रही हैं कि वो रिवाइज नहीं कर पा रहे हैं। तो मेरे कहने का उद्देश्य है कि अगर हम परीक्षा की दौड़ में हैं, तो निश्चित रूप से जिन लोगों ने संस्थान में एडमिशन लिया है वो आज भी आपसे आगे हैं, क्योंकि वो प्रत्येक दिन 6 घंटे लगातार हम लोगों के साथ पढ़ाई कर रहे हैं, अपने डाउट क्लियर कर रहे हैं और गुणवत्तापूर्ण नोट्स को पढ़ रहे हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आपको पढ़ने के लिए, सिलेक्ट होने के लिए किसी कोचिंग को ज्वाइन करने की जरूरत है, आप कतई कोचिंग ज्वाइन नहीं करिए, लेकिन घर पर भी तो आप अपना समय व्यर्थ नहीं करिए। अगर आपसे नहीं हो रहा है तब आप लोग हमारे पास आइए। मैं एक सक्सेस का चार्ट आपको दिखाता हूं कि एक परीक्षा में पास होने के लिए हमें क्या क्या करना होता है। देखिए, लगभग 16 भाग में 19 किताबें हैं। आप क्या कर रहे हैं? इंतजार कर रहे हैं। आप इंतजार कर रहे हैं 16 भाग की 19 किताबें पढ़ने का, इंतजार कर रहे हैं कि कमीशन आपको 30-35 दिन का समय देगा तो आप ये 19 किताबें पढ़ लेंगे, है ना। मानते हैं किताबें और नोट्स सबसे सही शिक्षक होते हैं। क्या आपने उन किताबों और नोट्स पर काम करना शुरू कर दिया है जो आपके सबसे अच्छे शिक्षक हैं, या जिनकी वजह से आपके अंदर ये आत्मविश्वास है प्रतिदिन कि हम कल से भी शुरू करेंगे तो कर लेंगे? यह कल जो है ना, ये आपके जीवन में सबसे घातक है, इसको खत्म करिए। आप आज से ही शुरू करिए। आप स्वयं से कर रहे हैं तब भी आप आज से ही शुरू करिए, और आप अपने जीवन का एक मिनट भी बर्बाद नहीं करिए, क्योंकि मौके बार बार नहीं आते, और इस सुपर टेट की वैकेंसी को अंतिम वैकेंसी मान के आप तैयारी करिए। एक अच्छे सीनियर के नाते मैं आपको ये बात बता रहा हूं, क्योंकि हो सकता है कि बाद में आप पछताएं, वैकेंसी फिर से ना आए। उठिए, आलस्य को त्यागिए, खत्म करिए और अपनी किताबों को उठा के जुट जाइए। अगर आप घर बैठ के भी तैयारी कर रहे हैं तो डेली 6-7 घंटे का आप नियम बनाइए, एक कंटेंट का नियम बनाइए अच्छे परीक्षार्थी के तौर पर कि हमें इतने इतने कंटेंट को डेली तैयार करना है, क्योंकि समय आपको नहीं मिलेगा। मैं बार बार कह रहा हूं कि जब परीक्षा आएगी समय नहीं मिलेगा, और फिर आपको लगेगा अब इतना तैयार करना है, आप डिमोटिवेट होंगे, आत्मविश्वास में कमी होगी और परीक्षा में सफलता आपके हाथ से निकल जाएगी। 19 किताबें हैं, 16 भाग हैं। देखिए, कक्षाएं और नोट्स एक दूसरे के पूरक होते हैं, आपको सही ज्ञान देते हैं और आपको ये बताते हैं कि हमें क्या नहीं पढ़ना है ना। दिशा सही होनी चाहिए, सही समय में पढ़ना है, तब हमें सफलता मिलती है। क्लियर? अब ये किताबें अच्छी शिक्षक है। मैं 19 किताबों के आपको नाम बता दूं, क्या 19 किताबों से आप नोट्स बनाने की स्थिति में है?
बिल्कुल नहीं है। तो किसी कोचिंग की भूमिका जो होती है या किसी मेंटर की भूमिका होती है वो जीवन में यही होती है कि उन किताबों से सारगर्भित नोट्स वो आपको देते हैं, आपको वो सही दिशा देते हैं और सही समय पर उस दिशा को जब वो आप अपने साथ तैयारी कराते हैं तो आप सफलता तक पहुंचते हैं, है ना। कक्षाएं और नोट्स एक दूसरे के पूरक होते हैं क्योंकि यहां से जल्दी चीजें आपको समझ में आती हैं कंबाइंड पैकेज के रूप में। किसी भी परीक्षा में सफल होने के लिए बहुत सारी चीजों का होना जरूरी है। एक तो टीम वर्क का होना जरूरी है। अगर आपकी 15 विषय हैं तो 15 विषय के एक साथ विशेषज्ञ आपको मिल जाए, या आप स्वयं में ही 15 विषयों के विशेषज्ञ हो तो आप कर सकते हैं, बशर्ते डेली आप उन विषयों की दूरदर्शिता को समझते हुए कि परीक्षा के लिए क्या उपयोगी है अपने क्रक्स को बनाना शुरू कर दें और पढ़ाई शुरू कर दें, है ना। मेथड्स समझाने के बहुत अच्छे होने चाहिए, कितने अच्छे तरीके से वो व्याख्या आपको समझ में आती है, क्योंकि जब हम परीक्षा हॉल में होते हैं तो टीचर्स और मेंटर्स की बातें हमारे कान में गूंजती हैं और हमारे 35 से 40% प्रश्नों को सही कर देती हैं, है ना। मोटिवेशन होना चाहिए प्रतिदिन। हम प्रतिदिन डिस्ट्रैक्ट होते हैं, हम अलग अलग रास्तों पर जाते हैं। अगर हम 6-7 क्लास के माध्यम से बने हुए हैं तो 6-7 में से 3-4 टीचर हमें प्रतिदिन मोटिवेट करते हैं और हमारे अंदर वो ऊर्जा होती है कि हम लगातार पढ़ें, क्योंकि 7 बार किसी टीचर का फेस दिन में जब आप देखेंगे तो वो 7 में से कम 4 बार आपको आपके लक्ष्य के प्रति प्रेरित करेगा और आपको लगेगा कि हम गलत रास्ते पर नहीं जाए, ये टीचर इतना पढ़ा गया है, हमें उसको याद करना है, हमें उसको तैयार करना है क्योंकि हमें सुपरटेट की वैकेंसी देनी है, हमें क्या करना है, हमें सफल होना है, है ना। टाइम मैनेजमेंट बहुत जरूरी है। मैं हमेशा कहता हूं किसी व्यक्ति के जीवन में व्यक्ति बनने के लिए 3 मैनेजमेंट का होना बहुत जरूरी है, ईगो मैनेजमेंट, एंगर मैनेजमेंट और टाइम मैनेजमेंट। अगर आपके अंदर ये तीनों ही मैनेजमेंट है तो आप एक सफल व्यक्ति हैं। परीक्षा के लिए टाइम मैनेजमेंट का होना बहुत जरूरी है। अगर आपका ज्ञान समय के साथ नहीं है तो आपका ज्ञान व्यर्थ है। आपने बहुत सारे ऐसे लोगों को देखा होगा जिन्हें सब कुछ आता है लेकिन वो आज तक सफल नहीं हो पाए, क्यों? क्योंकि उनका जो ज्ञान था उस समय के साथ नहीं था। एक मेंटर आपको ये बताता है, एक सीनियर आपको ये बताता है कि आपका ज्ञान समय के साथ कैसा होना चाहिए। टीचिंग स्किल्स, जो टीम आपको पढ़ा रही है, जो सीनियर्स आपसे इंटरेक्ट कर रहे हैं, उनके टीचिंग स्किल्स कैसे हैं, उनकी भाषा कितनी अच्छी है, कितने अच्छे से वो चीजों को आपको समझा रहे हैं। या ऐसा नहीं है, टीचिंग स्किल्स में किताबें भी आ सकती है, जिन किताबों जिन नोट्स से आप पढ़ रहे हैं उनकी भाषा कैसी है, जो नोट्स आपके लिए हैं वो नोट्स कितने जो है मूल्यवान है, कितने अच्छे से लिखे गए हैं, क्या फालतू के पाठ्यक्रम को तो उन नोट्स में कवर नहीं किया गया है। ये बहुत जरूरी है किसी मेंटर के हिसाब से, किसी बुक के हिसाब से और किसी नोट्स के हिसाब से। लीड बाय एग्जाम्पल्स, कौन से एग्जाम्पल्स उदाहरण आपको प्रेरित करते हैं, कौन से एग्जाम्पल्स से आप ज्यादा प्रेरित हो सकते हैं, है ना। और विजन, आपका दृष्टिकोण कितना साफ सुथरा है उस परीक्षा को लेके। ये सभी चीजें जब इकट्ठी होती हैं तो निश्चित रूप से एक परीक्षार्थी न केवल पास होता है बल्कि वह सफल भी होता है और वो टॉप भी करता है यहीं से, और वो 80% से ज्यादा अंक भी प्राप्त करता है। तो मेरा उद्देश्य ये नहीं है कि आप किसी कोचिंग को ज्वाइन कर लें, क्या करें क्या नहीं करें, नहीं। आप या तो करिए, क्योंकि अब समय आ गया है कि आपको इंतजार नहीं करना है। यहां पर मैं आपको एक सच्चे मित्र की भूमिका में आपको प्रेरित कर रहा हूं। या तो आप करिए, कहीं समस्या आ रही है तो आप देखिए, आप अपने रिसोर्सेज से उस चीज को समझिए कि कैसे आप इन 19 भागों के पाठ्यक्रम को तैयार करें। आप इंतजार मत करिए, क्योंकि जो इंतजार है यही आपको आपके लक्ष्य से पीछे ढकेल रहा है। आप सभी लोगों से मेरा सादर अनुरोध है, उठिए, खड़े होइए और प्लीज आज से एक भी मिनट व्यर्थ ना करते हुए आप अपनी परीक्षा की तैयारियों में जुट जाइए, क्योंकि अभी नहीं कर पाए तो शायद ये मौका आपको बाद में नहीं मिलेगा। और अगर आप नहीं कर पा रहे हैं तो मैं आपको बताता हूं कि हमारे यहां बैच चल रहा है। अगर आप नहीं कर पा रहे हैं तो मैं गारंटी लेता हूं, मैं दावे के साथ गारंटी लेता हूं, हमारे यहां बैच चल रहा है। प्रत्येक दिन 8 घंटे की क्लास चल रही है, जो सदस्य देख रहे हैं वो कह सकते हैं। हम सारे पीडीएफ नोट्स आपको भेज चुके हैं, और पीडीएफ नोट्स कैसे, हैंड रिटन, जो हमारे टीचर्स ने लिखे हैं। कोई ऐसा नोट्स नहीं कि हमने मार्केट से खरीद के आपको दे दिया है। मैं वादा करता हूं, पिछली बार भी मैंने वादा किया था कि 90% से ज्यादा प्रश्न हमारे नोट्स से हैं, और इस बार मैं फिर दावा कर रहा हूं कि 90% से ज्यादा प्रश्न हमारे नोट्स और क्लासरूम से होंगे। लेकिन आप इंतजार मत करिए, या तो आप खुद करिए, हम आपको मदद करेंगे। नहीं कर पा रहे हैं तो ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है, इस व्हाट्सएप नंबर पर एंट्री स्टेट लिख कर केवल भेज दीजिए, या नीचे स्क्रॉलिंग में जो नंबर चल रहे हैं उन नंबर पर आप फोन कर लीजिए, हमारी टीम आपसे संपर्क करेगी, आप अपने प्रवेश को सुनिश्चित करा सकते हैं। 1 सप्ताह केवल हुआ है,
प्रत्येक सप्ताह अगर एक दिन में 8 क्लास जा रही है तो लगभग लगभग 45 कक्षाएं एक जो है क्या जा रही है सप्ताह में जा रही है। टीचर्स अपने विषय के प्रश्न भी हल करा रहा है, चैप्टर वाइज डाउट्स भी क्लियर कर रहा है और विषय को बहुत मजबूत कर रहा है ना। तो निश्चित रूप से अगर आपने पढ़ाई शुरू नहीं की है तो हमारे बैच के वो छात्र छात्राएं जो इतनी धुआंधार पढ़ाई कर रहे हैं, इतना एकाग्र होकर पढ़ाई कर रहे हैं, वो निश्चित रूप से आज की ही स्थिति में आपसे आगे हैं, है ना। तो मेरा उद्देश्य है आप जिस शहर में हो, जिस क्षेत्र में हो, आप जहां पर भी हो, जिस परिस्थिति में हो, जिस साधन में हो, संसाधन में हो, आप सभी उपलब्ध विषय वस्तुओं का पूरा उपयोग करिए। मेरा अंतिम उद्देश्य केवल यह है कि आप निश्चित रूप से सफल हो जाए, है ना। आपकी सफलता में ही हमारी खुशी है। मैं आप सभी लोगों से अनुरोध करता हूं कि जो जो एक एक दिन करके बर्बाद कर रहे हैं अपने समय को, आप उस समय को व्यर्थ ना करते हुए निश्चित रूप से आप आज से ही जुड़ जाए। हमारी संस्था की जितनी भी भूमिका होगी हम पूरा करेंगे, या आप अपनी जिम्मेदारी को पूरी ईमानदारी से हमको सौंप दें, हमें क्या करना है हम करेंगे। जो सदस्य प्रवेश नहीं भी लेंगे हम समय समय पर इसी प्रकार उनको प्रेरित करते रहेंगे, क्योंकि मौके बार बार नहीं आते। और पूरे उत्तर प्रदेश में जितने लोगों ने स्टेट का फॉर्म भरा है वो सभी हमारे यहाँ एडमिशन भी नहीं लेंगे। तो हमारी जो जिम्मेदारियां, हमारी जिम्मेदारियां उन सब के प्रति है। जैसे हम आपको मोटिवेट कर रहे हैं, इसी प्रकार बैच में प्रत्येक टीचर उस छात्र छात्रा को मोटिवेट करता है जो वहां पर है, और आपके अंदर एक नई ऊर्जा का संचार दिन में 4 बार होता है। मैं वादा करता हूं टॉपर और 80% से प्लस अंक वाले सबसे ज्यादा लोग टारगेट बिरतालुक ऑनलाइन इंस्टीट्यूट देगा। तो बस समय व्यर्थ ना करिए, या तो पढ़ लीजिए, ठान लीजिए कि हमें करना ही करना है। अगर आपने सेकेंडरी ऑप्शन रखा तो आप कभी भी इस परीक्षा को पास नहीं कर पाएंगे, आप परीक्षा से दूर चले जाएंगे। ये आपका अंतिम प्रयास होना चाहिए और यही आपका फाइनल प्रयास होना चाहिए, करना ही है, इसके अलावा कोई विकल्प नहीं। ढेर सारी शुभकामनाओं के साथ आज मेरी तरफ से इतना ही। उम्मीद है कि मेरी बातें अगर 1% भी आपको जागृत करने में सफल रही तो मैं इस वीडियो को सफल मानूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।